अगली कड़ी में मैंने आपको समास की परिभाषा, समस्त पद क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है, ये सारी चीजों की जानकारी दे दी। और जो भी दो शब्द होंगे तो उनमें जो पहला शब्द होगा उसको पूर्व पद और जो दूसरा शब्द होगा उसको उत्तर पद ही बोलते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, मतलब दो शब्दों से मिलकर ही वो बनता है। अब समास के जो छह प्रकार होते हैं उन प्रकारों के नाम हम आपको स्पष्ट करते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्म धारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास, और जो सबसे अंतिम है वो है बहुव्रीहि समास। मतलब जो समास हैं तो वो समास का छह प्रकार होता है। जो पहला होता है वो अव्ययी भाव समास, जो दूसरा होता है उसको तत्पुरुष समास, जो तीसरा होता है उसको कर्मधारय, चौथा द्विगु, पांचवा जो होता है उसको द्वंद, और जो अंतिम होता है वो बहुव्रीहि समास हम उसको बोलते हैं। मतलब ये छह प्रकार हो गए समास के। अभी हम इन छह प्रकारों में से जो पहला प्रकार है अव्ययी भाव समास, इसके बारे में आपको ये बताने जा रहे हैं कि आप तो उस तत्पुरुष अव्ययी भाव समास की पहचान आप कैसे करेंगे। कोई भी वर्ड होगा तो कोई भी शब्द होगा तो वो दो ही होगा, जैसे गंगा जल, यथाशक्ति, दशानन, तो सब में दो ही, एक प्लस एक दो, मतलब ये लग के ही बनेगा, एक वर्ड दो वर्ड, एक वर्ड दो वर्ड, कोई भी होगा तो उसमें दो वर्ड जब आप उसका विग्रह करेंगे तो वो दो ही को प्राप्त होगा। तो अव्ययी भाव समास में होता है कि हम इसको